देखो हिंदी लिखी हुई है, स्वागतम लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये पंजाबी लिखी हुई है, जी आया नू। बहुत दिनों के बाद आज मैं बाहर निकला हूँ घर से। पिछले काफी ब्लॉग मेरे घर पर बैठकर ही आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कहीं बाहर जाना चाहिए, लेकिन जाएं भी कहाँ, लॉकडाउन लगा हुआ है हैलिफैक्स में। लेकिन आज फिर से हम आए हैं सिटाडेल हिल पर। मैं यहाँ पर आकर बैठा नहीं हूँ कभी। भाई आप बैठे यहाँ पर इस साइड पे? इस साइड नहीं, उधर उस साइड पे। हम उस दिन दूसरी साइड पे बैठे थे, यहाँ से सिटी दिखती है लेकिन ज्यादा लोग इस साइड है। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा ब्लॉग। जो नहीं आया मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। ब्यूटीफुल इवनिंग, ब्यूटीफुल इवनिंग। दिन आधा खत्म, आधा कहाँ, पूरा ही हो गया, 8 बज गए हैं। इंडिया में तो अब तक अंधेरा हो जाता है, जहाँ रात को 10 बजे होता है। क्या बात है, देखो लोग कितनी चिल करते हैं भाई। लेकिन थोड़ा इतनी सर्दी है, कैसे बैठते हैं ये लोग, है ना, इनके लिए तो गर्मियां ही हैं। आज टेम्परेचर है कुछ 10 डिग्री और लोग देखो वहां पर कितने बैठे हुए हैं। इनके लिए तो गर्मियां शुरू हो गई, बस जो स्नो में रहते हैं उनको इतनी ठंड कहाँ लगेगी भाई। To settle down, day nights and late nights don't get around, but there's something about you, something about you I like. Dlozi University, ये देख रहे हो, अभी हम enter हुए हैं Dlozi University के अंदर। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, आज तक नहीं मैं आया। यूनिवर्सिटी तो नहीं ओपन होगी, लेकिन हम बाहर बाहर तो घूम सकते हैं, बाहर ही बहुत बड़ी है। मेरा रूममेट इधर पढ़ रहा था, तो जब हम आए थे वो उसने बोला कि इतने सारे लोग बाहर रहेंगे, इतने सारे लोग, इतना मजा आएगा ये यूनिवर्सिटी में। सच में मुझे चांस मिलता तो मैं इधर पढ़ने के लिए आता था। यूनिवर्सिटी है बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया है, हाँ। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया। स्टडी भी उतनी मुश्किल होगी, लेकिन हाँ हम कहीं पे यहाँ पर गाड़ी लगा देते हैं फिर घूमते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं गाड़ी स्ट्रीट में, ये सारी यूनिवर्सिटी के अभी हम अंदर ही हैं। अभी अभी हम यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब अंदर नहीं कह सकते आप, बाहर बाहर ही देखते हैं अगर खुली है कि नहीं। मुझे लगता नहीं है कि खुली होगी, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह है ना इसलिए, और स्टडी फ्रॉम होम चल रही है लोगों की, स्टूडेंट्स की, इसलिए। बाकी अभी देखते हैं, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी में। कभी नहीं आया यहाँ पर, बस मैंने बाहर बाहर से देखी है। भाई आप कहाँ घूमे थे उस दिन? इधर ही आके वो अंदर से क्या? अच्छा वो अंदर है ना, चलकर आए थे उस दिन? हाँ चलकर आए थे, इतनी दूर। भाई मैं ऐसे कॉलेज में, ऐसे यूनिवर्सिटी में कभी नहीं पढ़ा यार। मैं भी नहीं गया, मुझे भी ऐसे पढ़ना, ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी। जिस कॉलेज में मैं आया था वो तो छोटा सा कॉलेज था, 2-4 कमरों का, और मेन कैंपस भी नहीं था। यही एक ना बुरी बात होती है अगर हम छोटा कैंपस लेकर आते हैं ना कैनेडा में, वो कुछ ज्यादा ही छोटा होता है। मैं जब मेरी कॉलेज देखा पहली बार, तो मुझे इंडिया में जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दिखता है ना, हाँ, वैसे दिखा, वैसे ही, आपका भी ऐसा ही था? हाँ, मेरा भी ऐसा ही था, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। लेकिन एक अच्छी बात ये जो थी कि वो मॉन्ट्रियल के सेंटर डाउनटाउन में थी, तो बाहर निकले तो हर चीज क्लब्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स, बार, यू नो, सब कुछ था उधर। हाँ. हाँ मेरा कॉलेज भी ऐसा ही था, जैसे छोटे से कंप्यूटर सेंटर होते हैं, आइल सेंटर होते हैं, वैसा था। जो यहाँ पर मेन कैंपस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े। ऐसे आज मैं आपको ये वाली यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ी है Dlozi यूनिवर्सिटी। और जो मेरा भी, मेरे कॉलेज का भी मेन कैंपस है ना, वो असल में विंडसर में है, वो भी बहुत बड़ा कैंपस है, वो तो खत्म ही नहीं होता, बंदा घूम नहीं सकता पूरा। ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है। अब अगर हम उस साइड चले जाएं, उधर साथ में ही उन्होंने अंदर स्ट्रीट बनाई हुई है ना, अंदर उधर साथ में घर बनाए हुए हैं, पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। हाँ पूरा यूनिवर्सिटी कन्वर्ट हो गया है, तो हर वो गली ये गली, तो पीछे घर है, रेसिडेंस एरिया है और कैंपस भी है, दो भी एक साथ। तो ओके, हाँ वही ना, उन्होंने कैंपस घरों के बीच में ही बनाया हुआ है, गलियों के बीच में। अब अगर हम उधर चले जाएं, उधर भी पूरे घर हैं। ये देखो ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, ये भी पूरी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, और सामने देखो वो सामने घर बने हुए हैं। अब उधर भी अगर हम आगे चले जाएंगे हमें घर मिलेंगे। ये देखो बसेस खड़ी हुई हैं ऐसे ही, मतलब सारा कुछ है, तो एक स्टूडेंट एरिया के जैसा है, स्टूडेंट रेसिडेंशियल एरिया। तो हर घर में पार्टी होगी, हर घर में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ
स्टूडेंट्स होंगे इधर तो जो आप मूवीज में देखते हैं ना वो अमेरिकन पाई या वगैरह वैन वाइल्डर जो स्टूडेंट हॉस्टल और स्टूडेंट्स रेजिडेंस में इतने सारे फ्लैट हाउसेस पार्टी सब चलते हैं वो ऐसे चलता है इधर यहाँ पर ऐसे चलता है सारा कुछ लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पर रहोगे अब ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइसेस भी हाई होंगे अगर आप यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर रहने के लिए आओगे ना तो यहाँ पर आपको प्राइसेस काफ़ी हाई मिलेंगे इसलिए लोग जो इंडियन स्टूडेंट्स मोस्टली आते हैं ना जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो प्रेफर करते हैं बाहर रहना क्योंकि बाहर उनको सस्ती जगह मिल जाती है रहने के लिए स्टूडेंट लाइफ में क्योंकि इतना महंगा घर लेना बहुत मुश्किल है तो वो बाहर रहना प्रेफर करते हैं तो ये देखो अब असली वो वहां पर है ये वाली चीज मुझे भाई ये इनकी जो बिल्डिंग है ना जो जैसे आप देख रहे हो पत्थर वगैरह वो बने हुए हैं वो मुझे बहुत बढ़िया लगी ये मुझे कौन सा याद दिलाता है बोलो हैरी पॉटर नहीं हाँ हैरी पॉटर भी मैं हूँ ना हाँ मैं हूँ ना उसमें उसमें भी ऐसी बिल्डिंग है तो मेरे रूममेट का एक क्लास उधर होता था फिर सेकंड क्लास 5 मिनट के अंदर उधर सारे लोग भागते थे उधर वो क्लास को अब ये देखो ये मुझे पता नहीं अभी यूनिवर्सिटी है या फिर रेजिडेंशियल कैंपस है यूनिवर्सिटी का रेजिडेंस तो उधर है रेजिडेंस उधर है और ये देखो ये भी पूरा का पूरा एरिया यूनिवर्सिटी का यार डलहौजी यूनिवर्सिटी का ये क्या लिखा है पंजाबी जी आया नु भाई मुझे नहीं था पता यार नोवा स्कोशिया में भी मतलब में जो कॉलेजेस है ना शेरडन हो गया हम्बर कॉलेज हो गया वहां पर अंदर पंजाबी में लिखा हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन यहां पर आप देख रहे हो मेरे नीचे सारी लैंग्वेज लिखी हुई है हिंदी भी लिखी हुई है पंजाबी भी लिखी हुई है मुझे पता नहीं था संस्कृत करके है ये देखो ये सारी लैंग्वेजेस लिखी हुई है यहाँ पर गुजराती भी लिखी होगी ये चाइनीज पता नहीं जापानीज लिखी हुई है देखो हिंदी लिखी हुई है स्वागतम लिखा हुआ है ये देखो यहाँ पर ये पंजाबी लिखी हुई है जी आया नु One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better yet. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए ना अच्छे से फिर यहाँ फिर असली स्टूडेंट्स बाहर आएंगे जब क्लासेस लगनी कॉलेज में शुरू होंगी असल से अभी तो सारा कुछ ही बंद है ना ये क्या फैक्ट्री है नहीं ये भी यूनिवर्सिटी है ये पता नहीं ये कुछ डाइनिंग वगैरह कुछ रहेगा वो कोविड हॉस्टल है तो लड़का लड़की दो भी एक साथ अच्छा वहाँ लड़का लड़की इकट्ठे रह सकते हैं अच्छा जो इधर हमने देखे थे एक लड़कों का अलग हॉस्टल होगा लड़कियों का अलग होगा पता नहीं है इधर लड़कों लड़कियों का अलग लड़कों लड़कियों का इकट्ठा अभी देख रहे हो आप हम बहुत पीछे से आए हैं और यहाँ पर अभी आगे वो पता नहीं आगे कितना आगे तक होगा बाकी क्लासेस भी होंगी यही बीच में कोई इनकी एक बिल्डिंग लेकिन हमें पता नहीं है कौन सी है एक बार यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए फिर आएंगे फिर अंदर का टूर करेंगे अच्छे से बढ़िया है मतलब आपने देखी कि सिटी ये मेरे घर से कुछ 5 मिनट की दूरी पर होगी यूनिवर्सिटी और सिटी भी बस 10 मिनट में कवर हो जाती है इतनी छोटी सी है बंदा पूरी सिटी घूम लेता है 10 मिनट में डलहौजी यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी में आती है पता आपको अटलांटिक प्रोविंसेस में ये वाली जगह मुझे वो उसके जैसे लग रही है मैं हूं ना जब वो लास्ट में लड़ते हैं यहाँ पर जाकर काफी लोगों ने मुझे बताया कि वो मेरे ब्लॉग्स देखकर डलहौजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है एडमिशन जरूर ले लो अगर लेनी है तो लेकिन अगर बाद में स्टडी मुश्किल लगी फिर मत कहना कि मेरी वीडियो देखकर ली थी एडमिशन यूनिवर्सिटीज की स्टडीज बहुत मुश्किल होती है कॉलेजेस का कम मुश्किल बहुत मुश्किल होती है इसलिए सोच समझ कर लेना ठीक है ये नहीं है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी देखने में अच्छी लगी तो चलो एडमिशन ले ले हम जाकर ऐश करेंगे ऐश तो होगी फिर स्टडी करके ना बाद में फिर बंदों की सप्लियां नहीं निकलती जो बैकलॉग्स रहे
तो आर्स कंप्लीट नहीं होंगे, अगर आर्स कंप्लीट नहीं हो तो यू नो वर्क परमिट वगैरह उसमें सब मुश्किल बात। वही तो बात है ना, तो फिर आप अगर स्टडी करोगे, स्टडी तो चलो ठीक है, लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट हो ना आप, फिर ऐसे यूनिवर्सिटीज लेकर मत आना, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल होता है बाद में स्टडी वगैरह करने में ना, इतनी स्टडी नहीं होती बंदे से। लेकिन हाँ, अगर आपने सोचा हुआ है कि अच्छी आपने आगे जॉब लेनी है, अच्छा पढ़ना है ना, सारा कुछ बढ़िया करना है, फिर जरूर लो। लेकिन मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, सोच समझ कर लेना एडमिशन अगर लेनी है तो। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी देखने में बढ़िया लगी तो बस ले ली, देखने में भी पैसा भी तभी लगा रहे हैं अगर स्टडी बढ़िया है तो। Don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you. बहुत बढ़िया है यूनिवर्सिटी, लेकिन वही ना, फिर लास्ट में बात आती है एक तो स्टडी की, और ऊपर से और कितनी कैसी आपने स्टडी करनी है, क्या पढ़ना है आपने, उस पर सारी बात आती है। अब मुझे आप लोग मैसेज करोगे कि कोर्सेज के बारे में बता दो, ये बता दो, मुझे नहीं पता इस चीज़ों के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्सेज है कनाडा में, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज है, बंदे को एक एक कोर्स के बारे में नहीं पता होता। थोड़ी सी रिसर्च करो अगर आना है तो, देखो कौन से कॉलेजेस में बढ़िया कोर्सेज है, कौन से कॉलेजेस में कितनी फीस है, सारा कुछ इंटरनेट पर है आजकल, जाओ इंटरनेट पर, जाओ वहाँ पर जाकर चेक करो, आपको सारा कुछ पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये यूनिवर्सिटी है ना इतनी पुरानी बनी हुई है, 1800 पता नहीं कौन सा ईयर बाहर लिखा हुआ है, उस तब की बनी हुई है, देखो इसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। ये देखो अब पता नहीं हम कहाँ से निकल कर कहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, हम उधर से ऐसे पीछे जाके, अच्छा हम वहाँ से पीछे को चले गए थे, अब ये यहाँ पर देखो। ये सारा का सारा, हाँ वहाँ से हम पीछे से आए हैं घूमकर, काफी घूमकर आए हैं, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का ही आता है एरिया, ये भी यूनिवर्सिटी है। अब आगे वो रेजिडेंशियल शुरू हो जाता है, ये देखो पार्किंग पे करनी पड़ती है वहां पर लगाने के लिए, लेकिन 8 बजे से 6 बजे तक, बाद में फ्री होती है 8 बजे और 6 बजे के बाद, अभी तो 9 बज गए हैं। तो बस फिर ये था व्लॉग, यूनिवर्सिटी उस दिन घूम कर आए, अगर अंदर जा सकता तो अंदर भी जाता, लेकिन यूनिवर्सिटीज अभी बंद है, यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते, सारा कुछ बंद है, लेकिन एक बार ओपन हो जाए सारा कुछ फिर अंदर जाकर भी व्लॉग बनाएंगे, और भी व्लॉग्स आएंगे जल्दी, जैसे कि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी का, वहां पर भी अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन जब एक बार खुल गया तो फिर वो सारे व्लॉग्स भी आएंगे। तो इसलिए मेक श्योर अभी कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी, और अगर कोई सवाल होगा कमेंट करना। और हाँ एक बार फिर से मैं आपको यही कहूंगा कि ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी देखने में अच्छी लगी तो फिर आप एडमिशन लेकर आ जाओ, कोर्स उठाकर आ जाओ, एक बार जरा अच्छे से सोच समझ कर लेना जो भी कोर्स लेना है और जो भी स्टडी करनी है, अगर आप कर सकते हो देन गो फॉर इट, यू कैन डू इट। एनीवेज बस इतना सा था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कंडा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।